हेलो दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है कृतिका पारिक और आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी UGC नेट चैनल पे। गुड आफ्टरनून सुमित जी, निशा जी, रीटा भारती जी, सौदामिनी जी, सभी दोस्तों का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। आवाज़ अगर अच्छे से आ रही है तो एक बार मुझे थम्सअप कर दीजिए। ओके, हेलो एवरीवन, शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। मेरा नाम है कृतिका पारिक, एजुकेटर हूँ अन अकेडमी पे। रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ आपके अपने चैनल अन अकेडमी UGC नेट पे। हम लोग दोस्तों यहाँ पे मंडे टू सैटरडे जुड़ते हैं आफ्टरनून में 3 PM पे। तो 3 PM पे मेरी रेगुलर क्लास होती है, वहाँ पे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। मेरे साथ में दोस्तों आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी पेपर वन और ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। दोनों पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अन अकेडमी लर्निंग ऐप जब इंस्टॉल करो तो UGC 10 कोड लगा देना, जिससे आपकी क्लास क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है कोड को, अपने क्लासेस को या ऐप को, तो जल्दी से UGC 10 कोड लगा करके अपनी क्लास को अनलॉक कराओ और मेरे साथ में आके जुड़ जाओ। इससे आपको क्या मिलेगा, अपने सब्सक्रिप्शन पे भी 10% का ऑफ नजर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, अब आप सभी लोग आ ही गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम एक बार क्लास को जल्दी से शेयर भी कर लेते हैं ताकि हमारे सभी साथियों तक हमारे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सॉरी गाइस, देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए तो दोस्तों आप लोगों के लिए जैसे मेरी क्लासेस चल रही हैं, वैसे ही अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी हमारी क्लासेस होती हैं। तो उसके लिए करना सिर्फ इतना सा है, जैसा कि मैंने बता दिया है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप फोन में इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करके NTA UGC नेट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। फिर वहाँ पर आपके पास में बारी आती है लॉगिन करने की। वहाँ पे आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो आप अपनी मेल आईडी से या अपने मोबाइल नंबर से क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपको जैसा भी आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अपना नाम डिटेल डाल करके आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे दोस्तों एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोगों के लिए आपके अन अकेडमी के नए बैच कोर्सेज। अन अकेडमी पर दोस्तों एवरी वेनसडे न्यू बैच कोर्स आता है, और अभी जो हमारा बैच कोर्सेज चल रहा है उसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों कंबाइंड कोर्सेज हैं। तो आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन लेकर के एक साथ डिटेल में पढ़ाई कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन का आपको पहला फायदा ये मिलता है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कि पेपर वन के लिए आप अलग पढ़ रहे हैं, पेपर टू के लिए अलग पढ़ रहे हैं। जनरली ऐसा ही होता था जब हम कोचिंग करते थे, ऑफलाइन कोचिंग करते थे, तो पेपर टू अवेलेबल होता था, बट पेपर वन के लिए कोचिंग थोड़ी डिफरेंट होती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लोगे, उसमें आपको पेपर वन भी मिलेगा और पेपर टू के 21 सब्जेक्ट मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन से। चाहो तो पॉलिटिकल पढ़ो, चाहो तो होम साइंस पढ़ो, या पंजाबी पढ़ो, या लॉ पढ़ो, जो भी पढ़ना चाहते हो वो आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगा और सभी एजुकेटर की क्लासेस मिलेंगी। तो जल्दी से अपना अन अकेडमी का आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन, दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। दोनों ही सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस ये है दोस्तों कि पहली बात तो ये कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीना और 24 महीना बेस्ट प्लान है। फीस आप लोगों के सामने है। एक चीज याद रखिएगा कि फीस है 13,750 और 24 मंथ की है 20,000। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी फीस पे डिस्काउंट मिले तो दोस्तों आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं इस कोड की मदद से, UGC 10। जैसे ही UGC 10 कोड लगाओगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। EMI पर भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यही सब्सक्रिप्शन आप प्लस आइकॉनिक में भी ले सकते हैं। आइकॉनिक के 12 महीने की फीस है 26,000। वहां पे UGC 10 कोड लगा देना, आपको 23,400 में आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं दोनों की प्लान्स में कि मैम प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है, तो वो आपके सामने है दोस्तों। 4 फीचर्स आपको प्लस में मिलते हैं, तो उससे 6 फीचर्स एक्स्ट्रा आपको आइकॉनिक में मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पर्सनल कोच का। पर्सनल कोच के लिए मुझसे कोई पूछा था कि क्या हम हमारा पर्सनल कोच चूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप किसे चूज करेंगे, अगर आप जानते हैं कि अन अकेडमी पे जो पर्सनल कोच होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब वो एजुकेटर्स नहीं है, वो कोई और है।
तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होंगे और वो अनअकैडमी डिसाइड करेगा, क्योंकि वो आपको देखेंगे, आपकी कैपेसिटी को देखेंगे और आपके अकॉर्डिंग आपका कस्टमाइज लर्निंग प्लान तैयार होगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पर्सनल कोच मिले, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिलता है, सीधा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों ही सब्सक्रिप्शन में फायदा क्या मिल रहा है दोस्तों, अभी की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्लस की प्राइस है 13,000 और आइकॉनिक की प्राइस है 26,000। यूजीसी 10 कोड लगाने के बाद में प्लस की प्राइस हो जाती है 12,000 और आइकॉनिक की हो जाती है 23,000। तो डिस्काउंट के लिए ये कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग चाहो तो कृतिका 10 कोड भी अप्लाई कर सकते हो, KRITIKA10। इससे भी आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिलता है अपने सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इसका ध्यान रखना, नए बैच कोड्स हमारे आ चुके हैं, कल से स्टार्ट हो चुके हैं। एमसीक्यू बैच भी है आपके पेपर वन का, कॉमर्स का, हिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस के काफी बैचेस आए हैं, तो आप जुट सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। सब लोग रेडी, एक बार जल्दी से थम्स अप, और हाँ जल्दी सब्सक्रिप्शन लें ताकि आपकी जो प्राइस हाइक हो रही है उससे आप बच पाएं, और आपको एटलीस्ट जब भी प्राइस हाइक होगी तो वो 25% तक हाइक जा सकती है। तो ज़रूरी ये है कि आप पहले लें ताकि आपको सीधा 25% का वो फायदा मिले और कोड से आपको 10% का फायदा मिल जाए। देखिए आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बड़े इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि उन क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ ही थोड़े से इजी क्वेश्चन भी देने वाली हूँ, कि स्टार्टिंग में आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन मिलेंगे, फिर हम थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ हमारी शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन, लीजिए, विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। लग सकता है इजी है बट करो। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? क्या बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर ए होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर बी होगा। अरे भाई ये तो जगत जाहिर है, जब से हम लोग ज्योग्राफी को हम पढ़ने लगे हैं ना दोस्तों, तब से हमने यही चीज़ देखी है कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट आता है आपके, सबसे स्मॉल आ जाता है गोवा। ठीक है, गोवा बहुत छोटा सा है, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब शुरू होकर ख़त्म हो जाता है। राज्य के नज़रिए से अगर अपन देखें तो बहुत ही छोटा सा है, यहाँ पे पाया जाता है गोवा, बहुत फेमस जगह है इंडिया की, टूरिज्म का बहुत अच्छा प्लेस है और सबसे छोटा है। तो ये इजी क्वेश्चन था, सबने कर लिया इसको, बहुत अच्छी बात है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। भारत की जलवायु मुख्यतया उष्णकटिबंधीय है क्योंकि। ओके, काफी लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है दोस्तों, बट द राइट आंसर इज ऑफ द लोकेशन ऑफ हिमालय इन इट्स नॉर्थ। इसके उत्तर में हिमालय है। देखो जी, यहां पे एक बात ये बोलना कि इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंध के भीतर है, ये चीज गलत है दोस्तों। उष्णकटिबंध के भीतर इसका बड़ा हिस्सा कैसे आ सकता है? यहां पे अगर अपन एक चीज को देखेंगे दोस्तों, तो हिमालय होने की वजह से यहां पे इसकी क्लाइमेट, आपकी अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ पे इसकी क्लाइमेट टेम्परेट होती, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है इस वजह से यहाँ की क्लाइमेट टेम्परेट नहीं हो पा रही है, इस वजह से यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस हमेशा इजी होते हैं, उनके ऑप्शंस टफ होते हैं। ये देखो,
अरे यार एक मिनट, अब देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, हमारे इंडिया में यहां का एरिया, यहां तक का एरिया, ये कौन सा एरिया होता है? माउंटेन। ठीक है, ये आपका माउंटेन एरिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका काफी हिस्सा ट्रॉपिकल में आता है, तो आप मुझे देख के बताइए, यहां से इसकी स्टार्ट हो जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपके वेस्ट बंगाल, राइट? ये स्टेट आते हैं इसके ट्रॉपिकल रीजन में। तो इसका काफी हिस्से की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं आ रहा, पूरा नॉर्थ इंडिया नहीं आ रहा है, साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो काफी हिस्सा नहीं है। अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया की क्लाइमेट डेफिनेटली काफी हद तक इसकी उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं होती। समझ गए या डाउट है? सो यहाँ पे हिमालय होने की वजह से, हिमालय की मौजूदगी की वजह से जो सर्दी की हवाएं यहां से आती है ना, जो ठंडी हवाएं आती है, उन्हें ये क्या करता है? बचाता है, उनसे इंडिया को एस्केप करता है, और उस वजह से यहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो पाता और यहाँ पे क्लाइमेट उष्णकटिबंधीय बनी रहती है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब एक बार शेयर करो सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, द टू वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। श्योर है आप लोग? बिल्कुल सभी लोग आंसर मुझे दे रहे हैं, नारकोंडम एंड बैरन, पबन बैरन, बिटरन, कावरती, कावरती एंड न्यूमूर। बहुत ही ज्यादा ही कॉन्फिडेंस से सभी लोग आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही बात है गाइज, आपके नारकोंडम और बैरन आइलैंड जो है आपके, वो ना केवल वॉल्केनिक है बल्कि ये इंडिया के एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो रीजन है। ये जो आइलैंड है दोस्तों, बैरन आइलैंड, ये हमारी इंडियन टेरिटरी में, ये देखिए यहां से आपके क्या शुरू हो जाता है, म्यांमार, इस जगह पे यहां पे पाया जाता है आपके बैरन आइलैंड, ये एक एक्टिव वॉल्केनो रीजन है। एक्टिव वॉल्केनो के क्षेत्र में यह आता है। सो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नारकोंडम और बैरन दो एक्टिव वॉल्केनो के क्षेत्र हैं। अगला देखेंगे, अमाउंट द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा आकार किसका है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। लोगों ने आंसर बताया था चंडीगढ़, बट द राइट आंसर इज पांडुचेरी, ए होगा करेक्ट आंसर। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ आता है बट सबसे बड़ा पांडुचेरी है, सो ए को करेक्ट कीजिए। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
गुड। यहाँ पे हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमें उनके सब ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो कम डेफिनेटली तीन ऑप्शन रॉन्ग है और एक ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट का पता नहीं है, रॉन्ग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एक ऑप्शन रॉन्ग यहाँ पे दिखा था वो था मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड नेपाल। तो गाइस इंडिया और नेपाल के बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं है, ना केवल बॉर्डर है बल्कि एक ऐसा भी डिफाइन नहीं किया गया है कि कैसी बॉर्डर है। इंडिया और नेपाल के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर है जो बनाती है हमारी काली रिवर, राइट? काली रिवर एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है, इस वजह से कोई भी बॉर्डर का नाम नहीं है। मैकमोहन आपके इंडिया और चाइना के बीच में आती है। इंडिया और म्यांमार के बीच में 1600 किलोमीटर लंबी लाइन है, पर वो दुरंड लाइन नहीं है। और बात की जाए अगर रेडक्लिफ लाइन की दोस्तों, तो वो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों के बीच में ये होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जब सबसे पहले डिवाइडेशन हुआ था 1947 में, सो 1947 में दोस्तों इंडिया को जो सेपरेट करने का काम किया गया था वो रिलीजन बेस पे किया गया था। धार्मिक आधार पे भारत का बंटवारा हुआ था। धार्मिक आधार का मतलब एक तरफ एक सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी हिंदू कम्युनिटी की और कुछ मेजॉरिटी थी मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है? हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बेस पे डिवाइडेशन किया गया था। उस वक्त जो डिवाइडेशन किया गया था दोस्तों, तो उसमें ये तय किया गया था कि क्योंकि भारत का एक हिस्से में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और एक तरफ दूसरे हिस्से में तादाद ज़्यादा है, बीच में हिंदू संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या किया गया था, पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित किया गया था। ये जो हम बात करते हैं ना आज की तारीख में, ये देखिए यहाँ पे जो बांग्लादेश आता है, यहाँ पे आपके आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है? यहाँ पे आ जाता है बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश इसका नाम बाद में पड़ा है, पहले ही आपके पाकिस्तान का हिस्सा था। ये कहलाता था पश्चिमी और ये कहलाता था पूर्वी, इसीलिए ये क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था इसीलिए ये इलाके को हम पश्चिम बंगाल बोला करते हैं, राइट? इसीलिए ये इलाका पश्चिम बंगाल कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये लाइन बनाई गई थी ना, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ठीक है, इस लाइन को दोस्तों बोला जाता है रेड क्लिफ, ठीक है? ये हमारी रेड क्लिफ कहलाती है। अब रेड क्लिफ इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेड क्लिफ नाम के एक ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने इसको बनाने का काम किया था। नो डाउट उन्होंने, ये जो रेडक्लिफ महोदय थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया था, ये अब तक के इतिहास का सबसे घटिया बंटवारा माना जाता है। इवन इतना बुरा बंटवारा था कि जिससे हजारों लाखों लोगों की जान तो गई ही। इनको जो पैसे दिए गए थे ना कि आप पैसे लेकर के इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बना देना, फिर वो इतना खराब बंटवारा हुआ कि इन्होंने पैसे लेने से भी मना कर दिया। ये इसके पीछे की एक हिस्ट्री है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो रेडक्लिफ से आप याद रखना, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच की एक सीमा को बनाती है जिसे रेडक्लिफ महोदय ने बनाया था। ठीक है ना? तो रेडक्लिफ लाइन बिल्कुल सही है, नेपाल के साथ में कोई बॉर्डर नहीं बनती है और मैकमोहन बनती है आपके चीन के साथ में। अगला सवाल, डंकन पास इज सिचुएटेड बिटवीन, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। गाइस 10 डिग्री चैनल नहीं पूछा गया था यहाँ पे, ये पूछा गया था कि जो डंकन पास है वो किसके बीच में आता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पे अंडमान शुरू होता है, उसके बाद में आपके निकोबार आता है, ठीक है। तो फिर आपके जो सबसे पहले डंकन पास के बारे में पूछा गया था दोस्तों, तो सबसे पहले आता है साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, तो यहाँ पे आपके बीच में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? करेक्ट कीजिए दोस्तों। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? डोवर कैलाइस, डोवर एंड कैलाइस, अलास्का एंड रशिया, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? सोचना ही नहीं है, 10 डिग्री चैनल आपके लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आता है। तो जो हमने पहले आंसर किया था वो आंसर अब यहां आएगा। 10 डिग्री चैनल का मतलब ये है कि 10 डिग्री का हमारा लैटिट्यूड लाइन, जो क्या करती है, सीधी एक लाइन है जो डिवाइड करती है आपके किसको, यहाँ पे है अंडमान, यहाँ पे है निकोबार, इनके बीच को, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, लाइक यहाँ पे आ जाता है आपके लिटिल अंडमान और यहाँ पे आ जाता है कार निकोबार, ठीक है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द यूज इफ द यूजुअल रूल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टाइम वर अप्लाइड फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, देन अप्रोक्सीमेटली टाइम बताइए। ओके, मिक्स आंसर, कुछ लोग बता रहे हैं सी, कुछ लोग बता रहे हैं डी। आई थिंक क्वेश्चन को समझ लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एट अरुणाचल प्रदेश वुड बी अहेड ऑफ दैट गुजरात बाय अबाउट 2 आवर्स। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में लगभग 2 घंटे आगे होगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि यदि समय की गणना के सामान्य नियम को लागू किया जाए तो अरुणाचल और गुजरात में क्या समय होगा, तो वो क्यों आगे होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें हमारी एक बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है लैटिट्यूड के बेस पे, सॉरी अल्टीट्यूड के बेस पे। अल्टीट्यूड में ये माना जाता है लगभग 1 डिग्री अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट्स, राइट? ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आप एक बार इंडिया को देखो कि इंडिया के अल्टीट्यूड स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जल्दी से मुझे एक बार लिख के बता दो। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, गलत कोई भी बताएगा तो मैं मानूंगी कि ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है। अल्टीट्यूड पूछ रही हूँ, इंडिया के लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड पता होने चाहिए। जल्दी से इंडिया के लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड बताओ। देखिए, यहां पे आ जाता है गुजरात और यहां पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, राइट? यहां पे आ गया गुजरात और यहां पे आ जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, 68 to 97 अप्रॉक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि 68 to 97 में लगभग लगभग 30 लैटिट्यूड्स का फर्क पड़ता है। अब 30 डिग्री को अगर अपन 4 से इंटू करते हैं तो कितने होते हैं दोस्तों, 30 डिग्री आ गया ना 68 to 97। 68 to 97 का गैप आप देखोगे 78, ठीक है, इधर 88 और इधर एक आपके 98, तो +10 होता जा रहा है, टोटल कितना हो गया, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 30 डिग्री का आ रहा है। मैंने बताया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, सो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 को हम 4 से इंटू करेंगे
30 into 4 120 मिनट। 120 को अगर अपन आवर्स के अंदर काउंट करें तो कितने होते हैं 2 आवर्स। तो ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे प्लस में रहेगा कंपेरेटिवली गुजरात से। समझ में आ गया कैसे ये रहेगा? अभी जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि लंदन हमसे 4.5 आवर पीछे है, वही चीज है। 68 को लैटिट्यूड देख लो लंदन के कितने हैं, सॉरी अल्टीट्यूड कितने हैं, उनके बीच का डिफरेंस देखो, उसको 4 से इंटू करो, आपको आवर्स में काउंट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया स्टैंडर्ड मेडिटेरियन पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ यूपी एमपी। इंडियन मेडिटेरियन स्टैंडर्ड यूपी एमपी के राज्यों से होके गुजरती है, यूपी एमपी एंड सॉरी यूपी यूपी एमपी और दो स्टेट आपको बताने हैं। रिपीट प्लीज, डेफिनेटली आई विल। पहले आप इसका आंसर कीजिए। सॉरी लॉन्गिट्यूड, सॉरी मुझे थोड़ा मिस हो गया था। थैंक यू सो मच रंजीता जी, थैंक यू। लीजिए आंसर्स मेरे पास में आ चुके हैं गाइज। यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात हो रही है, कहाँ से होके गुजरती है। देखिए दोस्तों, ये आपकी गुजरती है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी उड़ीसा आंध्र प्रदेश। किसी ने भी डी नहीं किया। यूपी एमपी उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे आपके राइट आंसर डी माना जाएगा। कर्नाटका की तरफ वो नहीं जाती है, ठीक है। चलिए अब मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, मैम एक बार आप पुराने क्वेश्चंस का आंसर बता दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझिए। हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में टाइम यहाँ पे पूछा गया है। अब आप देखो यहाँ पे एक मैंने इंडिया का मैप यहाँ बनाया है, यहां पे इंडिया में ये स्टेट का नाम है गुजरात और इस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये पूछा गया था कि अगर हम एग्जैक्ट टाइम को देखें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में क्या डिफरेंस आएगा। टाइम को देखने के लिए दोस्तों हमेशा हमारे यहां पे दो तरह की लाइंस होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स, ओके। एक होती है वर्टिकल लाइंस जिनको बोला जाता है आपके लॉन्गिट्यूड्स, ओके। लैटिट्यूड्स कहलाते हैं अक्षांश, लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं देशांतर, ठीक है। अब हमें इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स की बात करनी है क्योंकि हम जो डिफरेंस होगा उसको लॉन्गिट्यूड्स में देखेंगे। लॉन्गिट्यूड्स के अंदर दोस्तों जैसे आपके 0 से 90 लैटिट्यूड्स होते हैं, वैसे दोस्तों आपके सेम 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, राइट। अब इसमें हमें एक को पहचानना है कि एक डिग्री की क्या वैल्यू है। तो एक डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है, मतलब कि ये अगर हम कहीं पे भी मैप के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करेंगे तो वो एक डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। अब देखिए यहां से, अब ये पूछा गया था कि गुजरात और अरुणाचल, तो इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होते हैं वो 68 से होते हैं और अरुणाचल प्रदेश तक 97 तक जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 67 और 97, राइट, 67 और 97 दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है क्योंकि 68 टू 97 अगर आप जाओगे तो 30 डिग्री का अंतर उनमें आएगा। हमने यहाँ पे बोला था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, सो अब हमें इफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, सो देन 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स।
120 मिनट्स को अगर अपन आवर्स में काउंट करते हैं तो वो हमारे 2 आवर्स होते हैं। सो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश कंपेरेटिवली 2 घंटे एडवांस होगा आपके गुजरात से, ठीक है, गुजरात से 2 घंटे एडवांस होगा अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ गया रंजीता जी? ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन, इजी वन, जल्दी से। वेरी गुड, डेफिनेटली अरेबियन सी, कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। यहाँ पे इधर आ जाता है अरेबियन सी, इधर आ जाती है आपके बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे आ जाता है इंडियन ओशियन, राइट। अरेबियन सी में आते हैं आपके लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल में आते हैं अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, और फिर ये आ जाता है इंडियन ओशियन जो बीच का इलाका होता है। ओके, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, कौन सी विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है, गाइस, अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है, तो इसमें हम एक ऑप्शन को तो रिमूव ही कर देते हैं, मतलब वो तो सोचने जैसा भी नहीं है कि पाकिस्तान यहां पे हो सकता है। गाइस राइट आंसर इज म्यांमार। आप लोगों को मुझे लगा था कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे, पर भेड़ चाल का सभी हिस्सा बन गए। हमसे पूछा गया था कि क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड कहां पड़ता है? एक मिनट, यहां पे दोस्तों पूरा अगर आप डिटेल में देखोगे तो अंडमान और निकोबार यहाँ पे आने पाए जाने वाले हमारे इंडिया के आइलैंड्स हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की यहाँ पे बात आई, पाकिस्तान यहाँ पे आता है आपके श्रीलंका, राइट, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे यहाँ पे आ जाता है आपके म्यांमार, और दोस्तों इंडोनेशिया तो बहुत नीचे चला गया, तो यहाँ पे जो सबसे नजदीक है अंडमान, अंडमान का एक द्वीप है जिसको बोला जाता है आपके बैरन आइलैंड जो कि म्यांमार के पास है, मैंने आपको बताया था और आप लोग फिर से कर रहे हैं। इंडोनेशिया कहाँ पास है? आप लोग एक बार वर्ल्ड मैप पे देखो, इंडोनेशिया कहाँ पास है? म्यांमार ज्यादा पास है या इंडोनेशिया पास है? गाइस अगर मैं आपको एग्जैक्टली डिस्टेंस बताऊं तो इंडोनेशिया से के कंपेयर में म्यांमार का डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये याद रखना, अच्छे से समझ लो इसको। देखिए सभी पास में है बट यहां पे पूछा गया है सबसे पास में कौन सा है, सबसे नजदीक कौन सा है, तो श्रीलंका इंडोनेशिया थोड़े दूर चले जाते हैं, फिर आपके आता है सबसे नजदीक आता है आपके म्यांमार। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, कौन सा राज्य अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ सीमा साझा करता है? थैंक यू। 15 क्वेश्चन हम करेंगे, 12 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ओके, आंसर्स आ चुके हैं।
मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, असम है या बिहार है। ऐसे सिचुएशन में जब भी ऐसा सवाल आ जाए, हैंड टू हैंड मैप ड्रॉ करके देखो, चाहे आप मैप ऐसा ही बनाओ, चाहे मैप ऐसा ही बनाओ, बट आपको पता है कि यहाँ मध्य प्रदेश है, इधर आसाम आ जाता है, इधर बिहार आ जाता है और इधर हमारे महाराष्ट्र आ जाता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आपके गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ कर रहा है। ऐसे करके आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, करेक्ट आंसर इज सी, असम। अब देखो क्यों है असम, असम यहाँ पे क्यों होगा आंसर। बिल्कुल आप लोगों को लगा मध्य प्रदेश है, बट द राइट आंसर इज असम। लेट सी ये देखो, यहां पे आता है आपके एमपी, एमपी के यहां से आ जाता है राजस्थान, यूपी, इधर से आपके आ जाता है गुजरात, इधर से आ जाता है आपके महाराष्ट्र, इधर से आ जाता है आपके कुछ हिस्सा उड़ीसा का, ठीक है, इधर से आ जाता है आपके छत्तीसगढ़ का। अब बात आती है असम की। असम से गाइस पूरे आपके सेवन सिस्टर्स अटैच होती है, इधर से आपके सिक्किम तक अटैच होता है। एमपी सेंट्रल में है, इट डजंट मीन कि वो सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। एमपी सेंट्रल में है, वही बोल रही हूँ, इट डजंट मीन कि वो सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन शेयर कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बाउंड्री बना रहा है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में, उसके बाद में बाउंड्री बना रहा है नागालैंड के साथ में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर उसके बाद में आता है आपके मणिपुर, मिजोरम, नाम लिखते चलिएगा, त्रिपुरा, मेघालय, पूरे के पूरे सेवन सिस्टर्स तो ये हो गई, वेस्ट बंगाल हो गया आपके, ठीक है। आठ स्टेट्स के साथ में ये अपनी बॉर्डर को शेयर कर रहा है, एट स्टेट्स के साथ में। जी हाँ, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस वजह से वो कवर करता है। हमें हमें क्या होता है, बीच के स्टेट पे आके हमें लगता है कि हाँ ये इन्हें भी कवर कर रहा होगा, इन्हें भी कवर कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ, ओके, वेरी गुड, मध्य प्रदेश। इसी वजह से मध्य प्रदेश पीछे रह गया। मैंने आपको पिछली लाइन में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ जरूर करता है, बट झारखंड उसे बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो झारखंड के बॉर्डर शेयर ना करने की वजह से असम आगे चला गया। सो करेक्ट आंसर, झारखंड आपके वेस्ट बंगाल से भी कर रहा है। ये देखिए, यहां पे आपके लगभग झारखंड होता है, इधर आ जाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, इधर आ जाता है आपके उड़ीसा, और इसी के झारखंड के जिस पास में आ जाता है छत्तीसगढ़, बट छत्तीसगढ़ यहाँ पे आ गया, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश शेयर करता है, तो बीच में हो गया ये, झारखंड शेयर नहीं करता है। जी हाँ, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। निम्न में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नितेश कुमार जी बोल रहे हैं, मैम विषधारी नेशनल पार्क कहाँ पे है। देखिए, ये रामधर विषधारी सेंचुरी है जो राजस्थान में सरिस्का में है, ये नेशनल पार्क नहीं है, ये सेंचुरी है।
वैसे हम बोल सकते हैं इसको नेशनल पार्क, बाकी ये सेंचुरी भी है यहाँ पे। हाँ चलिए इसका आंसर बताइए। एक मिनट, एक मिनट, एक, नहीं, इसको एक कीजिए। देखिए विषधारी जो है ये एक आपके रामगढ़ विषधारी, ये एक बर्ड सेंचुरी है जो सरिस्का में है, और प्रॉपर विषधारी नेशनल पार्क दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। करेक्ट कीजिए, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए इसका आंसर अब हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। अब बोल रहे थे ना आप लोग की पास है, पास है, अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप समूह के पूर्व में है। तो ये देखिए ये हमारी आ जाती है इक्वेटर, ये आ जाता है इंडोनेशिया। यहाँ पे आपके पाया जाता है लगभग लगभग, ये तो पूर्वी इलाकों के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया। श्रीलंका तो इसका बिल्कुल यहाँ पर आ गया, वेस्ट में आ गया। ठीक है, तो श्रीलंका थाईलैंड में, और इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, तो आपको करेक्ट आंसर कर लेना है इंडोनेशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर विद चाइना आर, जिन राज्यों की चीन के साथ में समान सीमाएं हैं। बताइए, एक मिनट एक मिनट, काफी लोग बोल रहे हैं मैम ये तो साउथ में हो गया। ऐसे कैसे साउथ में हो गया, अभी बताती हूँ आपको मैं सही आंसर। पहले इसका करो, देखो पहले तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका माना जाएगा। विच इंडियन स्टेट हैव कॉमन बॉर्डर विद चाइना। एक मिनट, देखिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सभी बॉर्डर को शेयर करते हैं, सभी यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। ये देखिए देखिए यहाँ पे आपके अलग अलग स्टेट हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में आता है आपके जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, और इधर आ रहा है आपके चाइना। तो आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर एसोसिएट कर रही है, हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर इसके साथ में जुड़ रही है, यहाँ पे उत्तराखंड की बॉर्डर इसके साथ में जुड़ रही है, सिक्किम की बॉर्डर को ये देख रहा है क्योंकि यहाँ पे चाइना की बॉर्डर है, यहाँ से नेपाल की बॉर्डर शुरू होती है, अरुणाचल प्रदेश की जुड़ रही है, तो यहाँ पे सभी की बॉर्डर आएगी। नहीं हो रहा है साउथ में। अब देखो ये तो आपको ऑप्शन क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैं पुराने सवाल पे चलती हूँ, आप लोग एक सवाल में करा देती हूँ फिर पीछे वाला आपको बाद में याद आता है। ये तो क्लियर हो गया कि ये चारों हो गए यहाँ पे, थाईलैंड नहीं आएगा। मैं आपको एक बार मैप बना के देखो, एक बार वर्ल्ड मैप बना के देखो तब आपको पता चलेगा। एक मिनट रुको, देखो अब एक बार रुकना, देखो एशिया का मैप मैं आपको बना के बता रही हूं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे आ गया श्रीलंका, ठीक है, हमारे यहाँ पे, यहाँ है दोस्तों अंडमान और निकोबार, इंडोनेशिया आता है दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से इसके आइलैंड शुरू हो जाते हैं सुमित्रा, जावा, इंडोनेशिया। तो अगर इधर है अंडमान, तो अंडमान की अगर अपन दिशा की बात करें, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया उसका वेस्ट। तो आपके अंडमान के ईस्ट के अंदर ही तो आ रहा है इंडोनेशिया। एक बार मैप जरूर देख लेना इंडिया के मैप पे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। साउथ वेस्ट में आ गया, कैसे आ गया साउथ वेस्ट में? यहां से आपके आइलैंड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर इनके नीचे यहां से पे आता है आपके ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, ये सॉरी ग्रीन कलर का, यही आपके इंडोनेशिया है। अभी कौन से डायरेक्शन में जाएगा अंडमान के? ईस्ट में ही तो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कल की क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मैं बोल रही हूँ आपको, अंडमान से ईस्ट में जाने पे सबसे पहले इंडोनेशिया ऑप्शन में आएगा। मैंने आपको मैप भी बना के बता दिया, आप एक बार खुद भी चेक कीजिएगा कि अंडमान से अगर डायरेक्शन वाइज चलते हैं तो सबसे पहले इंडोनेशिया आता है ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ईस्ट में इंडोनेशिया होगा। पास दूर का नहीं है, बट एग्जैक्ट लोकेशन वही है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आज की आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा क्लास को, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।